हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम में आपका स्वागत है। मैं पीएम आज आपके सामने आईटीबीपी ट्रेडमेंस 2022 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ। हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आईटीबी डिपार्टमेंट ने आपकी ट्रेडमेंस की वैकेंसी निकाली है। इसमें आपके लिए ट्रेड के अलग अलग पद पर आपके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए अलग अलग ट्रेड के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मेल फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट है। हर कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट है। हर ट्रेड की अलग अलग पोस्ट है। इसको आप आवेदन ऑनलाइन मोड पर 22 दिसंबर तक कर सकते हो। दोस्तों, सारी जानकारी आपको बिल्कुल सटीक मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, क्योंकि आईटीबी ट्रेडमेंट के अकॉर्डिंग जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आपको माध्यम से अवेलेबल होगा। हाँ दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी वाइज, अपनी कास्ट वाइज व ट्रेड वाइज, मेल फीमेल, जेंडर वाइज अपनी पोस्ट देख सकते हो। उसके बाद में आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही मैं आपको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस इसके वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, इसमें आपका पे लेवल भी देख सकते हो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये का, यानी आपको इसके अलावा रिक्स जो अलाउंस मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे, समथिंग 40,000 रुपये प्लस की सैलरी होती है मंथली। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, आप इसमें एज लिमिट भी देख सकते हो। क्वालिफिकेशन आपको पता है 10वीं पास। साथ ही आपको जिस ट्रेड से, यानी अगर आप टेलर कोबलर ये दो ट्रेड से लगाते हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस यानी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप इस दो ट्रेड से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। अन्य जो आपके ट्रेड सफाई कर्मचारी वाशरमैन बार बार, इसके लिए ओनली आपको 10वीं पास रहना चाहिए। एंड दोस्तों, आपको एज रिलेशन इसको पता है छूट कितनी मिलने वाली है, आपको नोटिस के माध्यम से आप देख सकते हो। यानी SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स। साथ दोस्तों, हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, आपके लिए हाइट है, आप अपनी हाइट देख सकते हो, अपना चेस्ट देख सकते हो। सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट, फिर आपका होगा एक लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद में ही आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, किस प्रकार क्या होगा, आप सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन जो फिजिकल है होगा, यानी आपकी 1600 मीटर आपको रनिंग है वो कंप्लीट करनी है 7.5 मिनट में। एंड दोस्तों, 11 फीट लॉन्ग जंप है, आपको 3 चांस मिलेंगे। एंड हाई जंप है वो 3.5 फुट है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ये आपको क्वालिफाई करना है। फीमेल के लिए भी आप देख सकते हो, फीमेल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये रहेगा। दोस्तों, ये तो रहा आपका फिजिकल। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा यहीं पर, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसके बाद में दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम होगा वो होगा 50 नंबर का। हाँ दोस्तों, 50 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस पर भी हो सकता है एंड ऑफलाइन मोड पर भी हो सकता है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2017 में, उसका जो रिटन एग्जाम है वो ऑफलाइन हुआ था, फिर पेपर रद्द हो गया था। उसके बाद में आपका पेपर है वो कंप्यूटर के माध्यम से कराया गया था। एंड दोस्तों, उसके बाद में ये रहेगा आपका सिलेबस, 15 नंबर आपके आएंगे GK, बाद में आपके 10 नंबर आएंगे जो मैथमेटिक्स से, एंड 15 नंबर आएंगे आपके रीजनिंग से, एंड 10 नंबर आएंगे आपकी हिंदी या इंग्लिश से। आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आपको नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रेड टेस्ट में जाने के लिए, आपको अगर जो बंदा जनरल EWS है उसको 18 नंबर लाने पड़ेंगे 50 में से, एंड जो SC ST OBC के कैंडिडेट है उनको 17 नंबर लाने पड़ेंगे। आपको नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ट्रेड टेस्ट को जो आपको ट्रेड टेस्ट देने के लिए इतने नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों, इसकी आंसर की भी आपकी जस्ट एग्जाम के बाद में आपकी ITB की ऑफिस साइट पे आ जाएगी। उसके बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट। हाँ दोस्तों, ट्रेड टेस्ट होगा आपका 50 नंबर का, जो भी आपको जो ट्रेड आप चुनते हो। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जो अगर आपने टेलर चुना तो इसमें ये काम कराया जाएगा, इसका आपका 15 नंबर होगा, आपको ये काम कराएगा, इसका आपका 10 नंबर होगा। इस प्रकार आपका टोटल नंबर होगा 5 नंबर का। इस प्रकार आपका देख सकते हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो कि आपकी ट्रेड टेस्ट के बाद में एंड जो आपकी मेल लिस्ट आएगी उसके बाद में ही होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं आपकी इसकी मेल लिस्ट कैसे बनती है। इसकी दोस्तों, इसकी मेल लिस्ट है वो आपके 60% वेटेज होगा आपका रिटन एग्जाम का, 40% वेटेज होगा आपका ट्रेड टेस्ट का, यानी 100 नंबर का आपका जो टोटल हो गया उसमें से अगर आपको 60% आपके जो एग्जाम के हैं नंबर आएंगे उसको महत्ता दी जाएगी। एंड 60% है, 40% है बच्चे, जो 40% है वो ट्रेड टेस्ट के लिए दी जाएंगे। ट्रेड टेस्ट में आपको नंबर आएगा उनको 40% के हिसाब से आपको काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका 50-50 को डिवाइड किया, यानी आपका रिटन एग्जाम का 50 नंबर का एंड ट्रेड टेस्ट होगा आपका 50 नंबर का। तो दोस्तों, जिसके इसका फिजिकल है वो होंगे आपके मार्च में। हाँ दोस्तों, मार्च में इसके फिजिकल चलेंगे। आप सभी को पता होगा क्योंकि ITB अपना काम थोड़ा स्लोली करती है, तो हम पहले बताते हैं आपके फिजिकल थोड़ा डिले होंगे, यानी आपकी दिसंबर, तो दिसंबर के बाद में 2 मंथ का टाइप टाइम मिलेगा, उसके बाद में आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, हमने आपके लिए ITB के लिए एक ग्रुप बनाया है, ITB ट्रेडमेंट्स का। अगर जो फीमेल है, मेल है, फीमेल को आपको मैसेज करना है, फीमेल का अलग से ग्रुप है एंड मेल का अलग से ग्रुप है। मेल के जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर ले ग्रुप को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। साथ ही जो फीमेल है उनको मैसेज करना है, उनको डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप ज्वाइन करके हर आपके जो डाउट है माइंड में वो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों, ITB ने आपके लिए वैकेंसी निकाली ट्रेडमेंट्स की, इसमें ज़्यादा आवेदन नहीं आते हैं, आप सभी को पता है ट्रेडमेंट्स में। तो आपको अच्छी अगर आपकी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दोस्तों, पिछली बार इसमें वैकेंसी इंक्रीज भी हुई थी, आप सभी को पता होगा जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी ITB की, उसमें जो आपकी पोस्ट है वो इंक्रीज होकर आई थी। तो इस बार भी आपकी पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, तो आपको फॉर्म लगाना है, सबमिट करना है। इसमें ट्रेड टेस्ट काफ़ी हार्ड होता है क्योंकि ट्रेड टेस्ट के इसमें नंबर मिलते हैं। हाँ दोस्तों, ट्रेड टेस्ट के इसमें नंबर मिलते हैं, तो आपको ट्रेड टेस्ट पर भी काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि ट्रेड टेस्ट में हार्ड होता है, 50 नंबर का होता है और मेडिकल
नॉर्मल होता है। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको सभी को पता होगा, सबके पास है। तो आपको मेन फोकस रिटन एग्जाम वह आपका ट्रे टेस्ट पे देना है। फिजिकल भी नॉर्मल होता है, 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, जो कि आप कर सकते हो। आपकी रनिंग इसमें अलग ही माध्यम से होती है, आप सभी को पता है। जब आप फिजिकल देने के लिए जाओगे तब आपकी रनिंग कैसे होती है, यानी कि आपकी चिप बांध जाती है पैरों में, उसके माध्यम से ही आपकी जो रनिंग होती है। नेक्स्ट जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेगी। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको उसके माध्यम से मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों।